ABC working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone on Tuesday and C alone on Wednesday. इस तरीके से फिर से A आ जाएगा on Thursday. और ये एक पैटर्न बनाते हैं कंटिन्यूटी करके, इसी तरीके से काम करते हैं. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, इसको चलिए सॉल्व करते हैं. सो फॉर स्टार्टर्स वी यूज़ द कॉमन मल्टीपल रूल. जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है देख लो समझ लो. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू इट इन 16 days, सी कैन डू इट इन 12 days रेस्पेक्टिवली. आपको इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल लिखना है. क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या कॉमन मल्टीपल बन सकता है इनका? 48. जैसे आप जो भी कॉमन मल्टीपल लिखते हो वो आपके क्वेश्चन के लिए बन जाता है TW, विच इज़ टोटल वर्क. टोटल वर्क क्या बन गया अभी आपके लिए? 48 यूनिट्स ऑफ वर्क. ओके, अब अगर मैं ए बी और सी के लिए इंडिविजुअली बात करूँ तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, किस रेट पे ये काम कर सकते हैं? तो देखो आपको दिखेगा 48 / 8 इज 6 units per day. क्या मतलब है इसका? कि ए 6 यूनिट एक दिन में बनाएगा, इसे 48 यूनिट्स करने में 8 दिन लगेंगे. व्हाट अबाउट बी? बी 16 यूनिट बनाता है एक दिन में, 16 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है. तो एक दिन में कितने यूनिट बना पा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट बना पा रहा है. और सी 12 दिन लगा रहा है 48 यूनिट बनाने में, तो एक दिन में ये सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स कर पा रहा है. ये इनके लिए आ गई एफिशिएंसीज, और ये पूरे तरीके से बोला जाता है CM रूल, कॉमन मल्टीपल रूल. चलिए देखते हैं. अब द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे. चलिए मैं डेज से स्टार्ट करता हूँ. सो फर्स्ट इज स्टार्टिंग द वर्क ऑन मंडे, देन ट्यूसडे एंड वेंसडे. ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? ए बी और सी. नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. फिर यहाँ पे आएगा ए बी एंड सी. नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे. यहाँ पे फिर से आ रहे हैं ए बी और सी. चलिए अब इनके यूनिट्स को लिखते चलो जल्दी से. 6 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स. तो यहाँ पे 13 यूनिट्स ख़त्म हो गए. फिर 6, 4, 6, 3, 4, फिर से 13 ख़त्म हो गए. फिर 6, 3, 4, फिर से 13 ख़त्म हो गए. 39 यूनिट्स आप ख़त्म कर चुके हो. अब आप वेंसडे पे जाते हो, फिर से ए आ जाता है काम पे और इसने 6 यूनिट ख़त्म कर देना. 45 यूनिट्स यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं. नेक्स्ट थर्सडे बी आएगा और बी ने 3 यूनिट कम्प्लीट करना है. यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे आपके 48 यूनिट्स ऑफ वर्क कम्प्लीट हो चुके हैं. देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ना यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ इसे 1 by 1, बट इसके तरीके अलग हैं. आप इसे जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, आपको एक बार पैटर्न समझ में आके फिर आप फास्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हो. द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज. काउंट द नंबर ऑफ डेज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. द वर्क इज फिनिश्ड इन 11th day, नॉट इन 10 डेज. दिस इज रॉन्ग. ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. आई होप दिस हेल्प्स. टेक केयर. बाय बाय. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.